प्रिमिटिव से चेंज करता है ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान के चलो हम लोग के पास स्ट्रिंग है, कौन सा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग से अगर मुझे चेंज करना है किसी भी फंडामेंटल डेटा टाइप या फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप में, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, इंट होता है, फ्लोट होता है, ठीक है, डबल, कैर, ठीक है, और कौन सा होता है, बाइट, शॉर्ट, ठीक है, ये सारे। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग, कर पाएंगे क्या? तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड अवेलेबल होता है, ठीक है। जैसे अगर मान के चलो इंटीजर में हम लोग को चेंज करना है, ठीक है, जैसे इंटीजर का जो हमारा रैपर क्लास है वो क्या है, इंटीजर, ठीक है। ये किसको कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता, इंट में करेगा सर। ठीक है, फंडामेंटल डेटा टाइप इंट में करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान के चलो मेरे पास कोई स्ट्रिंग में वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, इंटीजर डॉट पार्स इंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग वैल्यू पास करूंगा, कौन सी वैल्यू पास करूंगा, स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास एक जादुई मेथड है यहाँ पे जिसको हम लोग पार्स इंट बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, स्ट्रिंग में इनपुट लेता है और स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है किसमें, फंडामेंटल डेटा टाइप में, ठीक है, मतलब इस इंटीजर वैल्यू में चेंज कर देगा जो भी स्ट्रिंग वैल्यू हम लोग इनपुट लेंगे, ठीक है। वैसे ही इंटीजर के लिए अवेलेबल है, फ्लोट के लिए अवेलेबल है, ठीक है, डबल के लिए अवेलेबल है, सब के लिए यहाँ पे फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, ठीक है, डबल डॉट पार्स डबल, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पार्सिंग मेथड है हमारे पास, ठीक है, इससे हम लोग चेंज कर सकते हैं कोई भी स्ट्रिंग से फंडामेंटल डेटा टाइप में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फ्लोट है तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं फ्लोट एफ, डबल है तो ले सकते हैं डबल डी, इस प्रकार से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इसी को मेनली जब हम लोग कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, कोई भी हम लोग एप्लीकेशन अगर बनाते हैं तो उस एप्लीकेशन में क्या होता है कि हम लोग इस प्रकार से ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, और यहाँ हम लोग बटन ले लेते हैं और कुछ लेबल वगैरह ले लेते हैं, जैसे नेम है, ठीक है, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या डालते हैं, नेम डालते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ आदर्श, आदर्श मैंने लिखा, उसका मोबाइल नंबर कुछ 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 मैंने लिखा और एड्रेस यहाँ पे लिख दिया भिलाई, ठीक है। तो ये तो हम लोग स्ट्रिंग में डाल रहे हैं, ठीक है, किसमें डाल रहे हैं, स्ट्रिंग वैल्यू डाल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे स्ट्रिंग हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। हम लोग ने डेटा टाइप को स्पेसिफाई नहीं किया। अब मुझे यहाँ पे इस फील्ड से कौन सी वैल्यू चाहिए, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ अल्फाबेट की जगह मैं नंबर डाल देता हूँ तब क्या होगा, अगर मैं यहाँ मोबाइल नंबर जो मैं यहाँ पे लिया हूँ, ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर ही होना चाहिए, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा सबसे पहले, या अगर मान के चलो कुछ ऐसा फीस ली मैंने लिए, ठीक है, मैंने अगर कोई ऐसा फीस करके मैंने लिया, ठीक है, यहाँ पे दो टाइप की मैंने फीस ली, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू डाल दे रहे हैं, कुछ भी हम लोग मान लो 10 या 100 कुछ डाल दिए, यहाँ पे 200 डाल दिए, ये इनिशियली स्ट्रिंग में, अगर मुझे इस दोनों को ऐड करना है और थर्ड में मुझे डिस्प्ले करना है तो कैसे करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कर लेंगे इंटीजर डॉट पार्स इंट से यहाँ पे दो वैल्यू हम लोग ले लेंगे, ठीक है, मतलब मान के चलो ये F1 है, ये F2 है, ठीक है, दोनों इंटीजर है, ठीक है, F1 F2 है, दोनों इंटीजर वैल्यू है,
ठीक है। अब ये दोनों इंटीजर वैल्यू को हम लोग ऐड करके डिस्प्ले करना है यहाँ पे। अब जावा जो है, जावा हर चीज इनपुट या फिर आउटपुट एक ही फॉर्म में लेता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को स्ट्रिंग से कन्वर्ट करना है इंटीजर में, और वापस से किस में डिस्प्ले करना है, स्ट्रिंग। मतलब कन्वर्ट कैसे हो रहा है, स्ट्रिंग से इंट में, और क्या हो रहा है, इंट से स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग से इंटीजर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे पार्स मेथड। ठीक है, हर एक डेटा टाइप के लिए अवेलेबल है, वो चाहे बाइट हो, शॉर्ट हो, इंट हो, लॉन्ग हो, डबल, फ्लोट, कैर, बुलियन, सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, अगर मुझे कोई भी डेटा टाइप से चेंज करना है स्ट्रिंग में, तो इसके लिए एक मेथड है टू स्ट्रिंग। ठीक है, कौन सा, टू स्ट्रिंग। ठीक है, इस टू स्ट्रिंग मेथड से हम लोग किसी भी डेटा टाइप को हम लोग चेंज कर सकते हैं स्ट्रिंग में। ठीक है, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, रैपर क्लास के लिए और हमारे जावा के लिए। ठीक है, जब भी हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं, इस दो मेथड का मैक्सिमम यूज करते हैं, 70% ये मेथड यूज किया जाता है कोई भी जावा एप्लीकेशन में। ठीक है, अगर हम लोग इस टाइप का कन्वर्जन नहीं करेंगे, तो हम लोग के जो इस टाइप के फील्ड्स जो हम लोग यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है, फीस के लिए या फिर कोई नेम के लिए या फिर कोई भी वहां पे हम लोग मैनिपुलेशन करते हैं अपने डेटा पे, ठीक है, तो हम लोग सही ही डेटा टाइप में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, पार्सिंग मेथड और टू स्ट्रिंग मेथड का यूज करते हैं। ओके, क्लियर है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाइट। ठीक है, B1 मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, B1 इक्वल टू बाइट डॉट पार्स बाइट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इस स्ट्रिंग को पास करेंगे। स्ट्रिंग क्या है हमारा, B। ठीक है, B हमारा स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग को हम लोग यहाँ डबल कोट्स के अंदर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो एरर शो करेगा। ओके, इस टाइप से हम लोग ने ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, इंट b1 इक्वल टू बाइट डॉट पार्स बाइट हमने ले लिया। अब नेक्स्ट हम लोग किसके करेंगे, शॉर्ट के लिए। यहाँ पे लिखता हूँ शॉर्ट s1 इक्वल टू शॉर्ट डॉट पार्स शॉर्ट। ओके, शॉर्ट के लिए हमने यहाँ पे ले लिया एस, ये हमारा स्ट्रिंग था। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे इंटीजर के लिए करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंट i1 इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट। इंटीजर डॉट पार्स इंट हम लोग ने यहाँ पे ले लिया, और हम लोग की वैल्यू है i, इसको हम लोग ने डाल दिया। अब उसके बाद फ्लोट, फ्लोट f1 इक्वल टू फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, और मैंने यहाँ पे सर ले लिया। लॉन्ग है, ओके, लॉन्ग l1 इक्वल टू लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे एल। फिर देन उसके बाद क्या है, डबल।
डबल डी वन इक्वल टू डबल डॉट पार्स डबल, उसके बाद यहाँ ब्रैकेट के अंदर हम लोग दे देंगे डी, देन उसके बाद है हमारे पास कैरेक्टर कैर सी वन इक्वल टू कैरेक्टर डॉट पार्स कैर, देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग दे देंगे सी, फिर उसके बाद लास्ट है हमारा वो तो बूलियन है, तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे बूलियन बी वन इक्वल टू बूलियन डॉट पार्स बूल बूलियन, यहाँ पे हम लोग दे देंगे बी टू। तो यहाँ पे हम लोग ने चेंज कर दिया है अपने स्ट्रिंग को अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में विथ पार्सिंग मेथड्स, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे हम लोग सबको प्रिंट कर देंगे। इसको एक साथ कॉपी कर दे रहा हूँ, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे एक एक करके हम लोग प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग बी वन ले लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं एस वन, फिर हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बाइट प्लस, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं शॉर्ट प्लस, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इंटीजर प्लस आई वन, देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फ्लोट प्लस एफ वन, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग प्लस एल वन, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे डबल कोट्स में डबल प्लस डी वन, देन उसके बाद हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे कैर सी वन, देन उसके बाद हम लोग यहाँ लिख लेंगे बूलियन प्लस बी वन। तो यहाँ पे सारे डेटा टाइप हम लोग कवर कर लिए हैं, ठीक है, बाइट शॉर्ट इंट फ्लोट डबल कैर बूलियन, हम लोग ने सबको यहाँ पे कवर कर लिया। और हम लोग इसको देखते हैं रन करके कि आउटपुट क्या होता है। तो मैं चलता हूँ कमांड पे, और यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं रन करके, सी डी बैक स्लैश ई में चल जाते हैं सी डी जावा ई सी ए थ्री, और यहाँ पे हम लोग करते हैं जावा सी रैपर एग्जाम्पल डॉट जावा,
यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी टेकन यहाँ पे बता रहा है, तो हम लोग इसको डी टू 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 कर देते हैं और यहाँ पे थ्री कर देते हैं। अब नहीं बताएगा, ये तीन एरर है। बूलियन बी वन, बूलियन बी वन यहाँ पे हो गया है दो बार, बी वन इधर भी है के ऊपर।